मैं लास्ट थिंग कहना चाहती हूँ, इस गाड़ी के मेक मॉडल वेरिएंट क्या है? इस गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट क्या है? ये जी बाइक ही है BJ40+, और इसका वेरिएंट ये आता है पाकिस्तान में ही किया था BJ40+, और ये 2021 का मॉडल है, और ये 2 लीटर होती है और कन्वर्टेबल होती है, और बड़े मजे की चीज है, और ऑफ रोडिंग बड़े मजे की चीज है। वैसे ये तुर्की में आना होगा, मैं भी आपको होस्ट करना चाहती हूँ। मैं आया हूँ एक दफा टर्की, आई ड्रोव ऑल द वे फ्रॉम इजमीर टू बोड्रम गया था मैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अभी हमने होटल के रेस्टोरेंट में नाश्ते के लिए आया। ये मेरे दोस्त है, इसकी ये तीसरा प्लेट है, अभी भी खाना खा रही है। अभी हमने होटल में नाश्ता करने के लिए आया, इधर से निकलेंगे सैफरंगा डेजर्ट के लिए। मैं तो नाश्ता नहीं कर रही, बस मेरे पास एक कप ऑफ कॉफ़ी है। हमने एक सन ब्लॉक लिया क्योंकि हमको बहुत ज़रूरत पड़ेगा। डिज़र्ट में इतना मीठी और इतना धूप ऊपर से पड़ती है ना, ये बहुत ज़रूरत है। अभी हम इधर से नाश्ता करके निकलेंगे सैफरंगा डेजर्ट के लिए। अभी हम होटल से निकलती हैं, लेकिन होटल की एक मैनेजर है मारूफ अंकल, उसने मुझे, आप तो स्कर्डू में फेर होगे और आपको सब जगह पता है ना, लोकल आप जी जी मैं लोकल तो नहीं हूँ, आई बिलोंग टू हुंजा। अच्छा, बट आई नो अबाउट बल्तिस्तान, मैं सारा बल्तिस्तान में जाऊँ। हमारे स्कर्डू की बात नेक्स्ट ट्रिप होगा हुंजा पे। अच्छा अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह से आप यहाँ आए हैं, वी आर प्लीज टू हैव यू हियर इन आवर होटल। स्कर्डू काफ़ी फैला हुआ है, इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसमें वैरायटी बहुत है, जो नेचर ब्यूटी है इसमें। ठीक है जी, यहाँ पे खरमंग की तरफ वाटरफॉल्स हैं, खामोश है मोटिका वाटरफॉल। उसके बाद आप खपुल की तरफ जाते हैं, खपुल में फोर्ट है, खपुलो सिलिंग है, सिलिंग में फिश फार्म्स हैं, वहाँ से आगे आप मुख्तलिफ जगहों में जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, वेलकम जी, खुदा हाफिज़। अभी हम निकलती हैं सैफरंगा रैली के लिए, हमारी गाड़ी रेडी है, तो चले। अभी तैयारी हो गया, फर्स्ट वाला स्टार्ट हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 जीप अभी स्टार्ट करेगा। आई एम सो एक्साइटेड, लेट्स सी। अभी गोपीस का एक है 308408, वो पहले नंबर पे अभी रेसिंग स्टार्ट कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक, आज तो रेस है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको आपको सपोर्ट करूँगी। अभी हमारे साथ है सदर हसन, एंड ये पूछने लाइक कितने साल से आप वो रेस करती हैं? मेरी फर्स्ट रेस थी 1995 में थी, चोले साल। जब भी फिर हो गया जी, जब आप पैदा हुई थी मैं रेस कर रहा था और उसमें मैंने सेकंड पोजीशन ली थी ओपन कैटेगरी में, और तब से अभी तक रेस कर रहा हूँ। पाकिस्तान की सारी रेसेस मैंने की हैं, चाहे वो स्कर्दू हो, चाहे गवादर हो, फ्रॉम वन एंड टू दी अदर। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, मैं आपके टाइमिंग इधर से देखूंगी। जबरदस्त जबरदस्त, बेस्ट ऑफ लक। अभी पहले वाला को होगा, ये अभी सेकंड जीप जा रही है, ये सेकंड 506 का। एक जाने की बात इतनी मीठी पड़ती है ना, लेकिन यार पहली दफ़ा मैं आया, इतना इतना मज़े आते हैं ना। इधर वो गाड़ी का नंबरिंग्स भी लिखा है कितना मिनट में वो लोग ख़त्म करती हैं। सर बेस्ट ऑफ लक, जब मैंने अभी कहा था ना सर बेस्ट ऑफ लक, वो सर ने इतनी लेट आई ना, मेरी पूरी एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो गई। मैं उसकी सपोर्ट करती थी, कितने में ख़त्म कर दिया। अभी उसने एंडिंग फिनिश में आया, हंसने कितना मिनट हो गया? 1:54 लाइक अराउंड 2 मिनट। आई नहीं जीता यार, मैं वो अंकल को सपोर्ट करती थी। एक्चुअली पार्क हिल से सोशल मैनेजमेंट करती है जिले। हेलो जिले, मैंने आपके पहली दफ़ा मैंने एक ज़िले का नाम सुना, ठीक है, पहले नहीं थी।
मैं अभी जको को ये कहा था आपको बुलाने के लिए, आपका नाम मुझे याद नहीं आया, मैंने कहा यार ये जलील को बुलाओ। आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, नाम में थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, आपने मेरी नाम याद नहीं की थी। ठीक है कोई मसला। अभी कैसे चल रही है? अल्लाह का शुक्र बेहतरीन चल रहा है, और अभी सिर्फ क्वालिफाइंग चल रही है, और क्वालिफाइंग के अंदर आपको पता ही होगा कि आज बस आगे एक छोटा सा ट्रैक है उसको करके आ रहे हैं, और कल जो है ऑर्डर डिसाइड करेगा कि कौन सी कैटेगरी की गाड़ी जो सबसे अभी जल्दी कंप्लीट करेगा ना ट्रैक को, वो कल सबसे पहले जाएगा रेस के अंदर अच्छी कैटेगरी में। जिले ने इतना प्रोटेक्शन किया है, खेप अलग, सन ब्लॉक अलग, सन ग्लासेस अलग, और जिले की कपड़े। मैं ना, आप मुझे जब सुबह मिली थी ना, मैंने आपको कल भी कहा था, मैंने कहा था कि आप वहाँ पे आई हुई है बिल्कुल इजी होके, तो मैंने आपको पहले कहा था, मैं कहा सन ब्लॉक यहाँ पे, उसके अलावा ये लिप्स के लिए लिप बाम, उसके साथ साथ ये लाजमी है, आप ये ना समझे मम्मी डैडी बच्चे आए हुए हैं, ये वाकई जरूरी है, और आज सुबह मैंने सुनील साहब को भी ये लगाया है। ओके ओके, जिले जिले सुभान कह ले आप। जीप की रेस अलग हो रही है, इधर ड्रोन का रेस अलग हो रही है, अभी चले गए अभी इसकी टाइमिंग देखना है, क्योंकि ये प्रिपेयर्ड है, स्टॉक वाला नहीं है। मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आ गया। मैंने कहा 140 सेकंड, आपने क्या कहा? 130 1 मिनट 30 सेकंड। आप क्या कह रही है? 150 यहाँ पे 1 मिनट 50 सेकंड। आप क्या कह रहे रहमान? अच्छा, लेट्स सी कौन जीतेगा। मैंने कहा 1 मिनट 40, आपने कहा 1 मिनट 30, जकर ने कहा 1 मिनट 50 सेकंड। अभी चेक कर लेती है, टाइम आ रहा है। अभी तो 36 सेकंड हो गया, 1 मिनट 31 सेकंड में आ गया। 9 सेकंड में मैं हार गई, 19 सेकंड में जका हार गई, 1 सेकंड में आप जीत गए। लेकिन ये प्रिपेयर था, अच्छा था। ओ सार सुल्ताना है 1 मिनट 37 में, 2 सेकंड कम में आया। हाँ जी जी जी, नहीं नहीं, वो हो गया तो 1 मिनट 39 सेकंड, ये हो गया 1 मिनट 37 सेकंड। सर अभी हम स्नेल भाई के साथ एक क्वालिफाई राउंड में चक्कर लगाएंगे, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी पहले रेसर का खत्म होगा, फिर हम निकलेंगे, हमारे पीछे 7 और जिले भी हैं। अरे पहले 3 बजे बताया था रंजन भाई को, वो है अपना कल का है, 3 बजे नहीं आज के, जब वहाँ पे 3 का क्वालिफाइंग, उन्होंने कहा 3 बजे तक ट्रैक खुला, ट्रैक पे वकास साहब ने कहा था, खैर हमने फिर क्वालिफाइंग हम वो ट्रैक ही करके आ गए, वो ट्रैक करा रहे। ठीक है, टर्की में होती है? नहीं होती तो लेके जाए खानी दे ले, पकड़ लो। जाने से पहले हमारे निमको भी खाया। हाय जी, बिस्मिल्लाह स्टार्ट कर रही है। क्या नहीं बताया था, वहाँ पे खराब हो गया। आपने जहाँ पे स्पीड लूज नहीं करनी, आपने ड्रिफ्ट करते हुए जाना है, और जो बड़ी गाड़ी है ना यहाँ पे जो कैमरा वाला हुआ है ना उसको ज्यादा मजा आएगा, यूं जाएगी गाड़ी। ठीक है सुनील भाई, पाक हिल्स की कोई गाड़ी अभी रेस में है? पाक हिल्स गाड़ियाँ हैं, रजा सही चला रहे हैं, ये गाड़ी जो है ये भी सोएब चला रहा है, मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ वो भी पीछे आ रही है, करना वीको है। तो ये आप देखें, देखने में वैसे बड़ा इजी लग रहा है कि बड़ा इजी चल रही होगी गाड़ी, बट ये सैंड जो है ना, सैंड जो है वो आपकी गाड़ी को अंदर तरफ खींचती है, तो आपको उस लिहाज से देखेंगे। तो अभी मैं बड़े प्यार से चला रहा हूँ, मैं कोई स्पीड में नहीं चला रहा। नहीं नहीं, गो एंड एंजॉय, आपको रजा सही के साथ एक राउंड जरूर लेना चाहिए, जो प्रिपेयर्ड रैली ट्रैक है ना उसमें आपको मजा आएगा। अच्छा वो रैली अभी लोकल, आपने बेल्ट पहनी ना इसलिए आपको, यस मैंने तो बेल्ट नहीं लिया, बेल्ट पहनेंगे तो फिर नहीं मारेगा। अभी तो ये एक्चुअली इवेंट एज ए लोकल चलती है, आप लोग एज ए इसको इंटरनेशनल भी आगे जाने का कोशिश जरूर लेके जाएंगे। हम कोशिश ये करेंगे जब हम इसको 3-4 दफा कर लेते हैं और हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पूरे हो जाएंगे, देन विद टाइम इंटरनेशनल जो है स्टैंडर्ड्स उन पे भी पहुंचेंगे। स्टार्टिंग टू सी लेडीज कैटेगरी में भी लोकल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, एंड आहिस्ता आहिस्ता इनके जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो बेहतर होते जाएंगे, एंड फिर आप देखेंगे कि नेशनल लेवल के ऊपर जीबी के ड्राइवर्स आएंगे, एंड फिर
आगे 4-5-10 सालों में इंटरनेशनल ड्राइवर्स भी इस तरफ आएंगे। वैसे अगर इसका मकसद सिर्फ ये नहीं रैली, इसका मकसद ये है कि लोगों को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाए। एंड आई थिंक इफ वी आर नॉट मिस्टेकन, अगर आप बाई एयर इस्लामाबाद से इधर आएँ तो यू विल फाइंड 60% ऑफ द फ्लाइट विल बी अ फॉरनर्स। गुड थिंग आई गेस। आई थिंक वी आर डूइंग आवर जॉब इस लिहाज से कि वी आर टेलिंग दैम। तो यहाँ से जब आप मोड़ पे आएंगे ना तो वो यूँ स्लाइड इन करता हुआ जाएगा, जैसे अगर हम इसको रेस दें तो ये देखें आपको मोड़ के साथ साथ स्पीड के साथ भी अगले वाले मोड़ में भी आपको ज्यादा स्पीड मिलेगी। तो देख के इस मोड में भी आप उनको कार इस मोड़ पे देखें, यहाँ पे आपने रेस नहीं छोड़नी, जब आप रेस छोड़ेंगे तो गाड़ी जाएगी। ये देखें आपने बाहर से आए और अटैक द कॉर्नर, यूँ आप आते गए आते गए आते गए आते गए इतनी खुशी मैं नहीं, अब बड़े आराम से नहीं किया इस इवेंट में। मैंने क्या नहीं किया? आपने अटेंड नहीं किया? मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैंने क्वालिफाई नहीं किया। क्वालिफाइंग तो आपको सिर्फ फायरिंग ऑर्डर डिसाइड करता है। इस गाड़ी के मेक मॉडल वेरिएंट क्या है? इस गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट क्या है? ये बाइक ही है BJ40+, और इसके वेरिएंट ये आता है पाकिस्तान में ही किया था BJ40+, और ये 2021 का मॉडल है, और ये 2 लीटर होती है और कन्वर्टेबल होती है और बड़ी मज़े की चीज़ है और ऑफ रोडिंग बड़ी मज़े की चीज़ है। अगर तुर्की में आना होगा मैं भी आपको होस्ट करना चाहती हूँ। मैं आया हूँ ऐसे एक दफ़ा टर्की, आई ड्रोव ऑल द वे फ्रॉम इजमीर टू बोड्रम गया था मैं। इजमीर टू बोड्रम दोनों हाँ। भी वो लाइक गर्मी इलाका है। हाँ, गर्मी इलाका था और वहाँ पर रिजॉर्ट था, और मैंने एयरपोर्ट से जीप थी रिग्रांडे, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम रॉन्ग, लेफ्ट हैंड होती है, लेफ्ट हैंड होती है हमारी गाड़ी। मैंने एयरपोर्ट से ली थी वहाँ से इजमीर से, और मैं वहाँ तक गया था वहाँ पे बोड्रम, और वहाँ से फिर वापस आया। तुर्की कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था, वेरी लविंग पीपल, पाकिस्तानियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ जी। और मुझे लगता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अस एंड टर्किश पीपल एक्सेप्ट फॉर द स्किन कलर मे बी। एग्जैक्टली, क्योंकि टर्किश लोग, आई लव टर्किश फूड। या व्हिच वन फेवरेट कौन है? हर खाना मुझे अच्छा लगता है। डोनर और कबाब, डोनर कबाब, एक वो व्हाइट पेस्ट होती है, आई डोंट नो व्हाट पेस्ट इज गार्लिक पेस्ट, वो राइस की तरह नहीं, इनके साथ ही आप डोनर वगैरह के साथ खाना उसमें डिप करते हैं, आई थिंक इट्स गार्लिक पेस्ट, गार्लिक पेस्ट होगा, गार्लिक पेस्ट। तो मैं एक्स्ट्रा जाके पे क्या तो पैक कर रहे हैं। आई लव दैट फूड, थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहली दफा एक रैली में वुमन रेसर देखती हूं। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आई रियली सपोर्ट यू एंड आई रियली अप्रिशिएट यू। पहली दफा मैंने एक वुमन रैली में देखा। अच्छा, इट्स रियली सो नाइस टू सी यू हियर। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। हमारी साफरंगा डेजर्ट में ख़त्म हो गया। हमने लास्ट सुनील भाई के साथ भी एक रेस लिया, वो तो ओह बहुत ही मुश्किल था। साथ कैसा था? बहुत मुश्किल है, सर फट गया मेरा तो। कज़ा से हमारी 4 दफ़े ऐसे ऊपर नीचे सर पर दिया। हम अभी इधर से खाना खा के रेस्ट लेने के लिए जा रहे हैं। हमारे आज हो गया डन, वी आर डन, मर गए हम। खुदा हाफिज़।